ओम नमस्कार बंधु, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कागज पर टोटके पर। आज के वीडियो में बताने वाले हम वशीकरण। अब वशीकरण किसका करा जाता है और क्यों करा जाता है, ये जब पहले आपको समझना बहुत ज़रूरी होगा ताकि आप वशीकरण कर सकें। वशीकरण आप किसी भी इंसान का कर सकते हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, किसी का भी आप कर सकते हैं। मगर क्यों करा जाता है, क्यों इसलिए किया जाता है कि आपकी कोई जायज़ मांग है। जायज़ मांग का मतलब है कि जिससे किसी को हानि ना हो, ना सामने वाले को ना आपको। लाभ हो उसको लाभ हो या आपको लाभ हो, हानि किसी को ना हो, यानी कि किसी को लॉस ना हो, किसी को तकलीफ ना हो, तो ये वशीकरण किया जाता है। कोई भी जायज़ बात हो, मान लीजिए आप काफ़ी समय से लगे हुए हैं किसी को अपनी बात मनवाने के लिए, कि आप चाहते हैं कि आपका जो जायज़ हिस्सा है आपकी प्रॉपर्टी में, आप वो मांगना चाह रहे हैं, मगर वो किसी तरह फंसा हुआ है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। या फिर किसी को मनाना चाहते हैं, कोई तीसरा व्यक्ति आपके बीच में आ गया है, संबंध आपके जो रिश्ता है उसके बीच में आ गया है, तो आप मनाना चाहते हैं कि बताना चाहते हैं कि ये गलत है, तो ऐसे जायज़ बातों के लिए ये उपाय किए जाते हैं। देखिए, ये जो बीच में लिखा हुआ है, ये बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर है नाम लिखना है उस व्यक्ति का जिसका वशीकरण करना चाहते हैं, और ये लिखा वश माने, ये हम अलग से लिख के भी दे देते हैं। क्या लिखा हुआ है, वश माने नाम, और नीचे लिखा है वश माने, ये लिखना है आपको। बाकी ओम सह सह ओम ओम सह सह ओम, ये लिखना है। साफ सुथरा कागज पे बनाना है, दो रंग की कलम से बनाइएगा, और फिर आपको यंत्र को सामने रखना है, और उस ये मंत्र देख लीजिए पहले, ओम सह सह क्लींग नमः, इस मंत्र का जाप करना है, और यंत्र को सामने रखेंगे, चेहरा आपका दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, यंत्र को सामने रखेंगे, फिर ये मंत्र का जाप करना है। कितना करना है, जितना आप चाहें कर सकते हैं, जितना चाहें। तो कम से कम समय के हिसाब से हम बताना चाहें तो 5 से 10 मिनट तो अवश्य करें। यंत्र को सामने रखें, आंखें बंद करें और ये मंत्र का जाप करें, और जो व्यक्ति है उसकी प्रतिमा लाने की कोशिश करें अपने दिमाग में, और पॉजिटिव बातें सोचें उसके बारे में कि क्या क्या आप चाहते हैं, जो भी बात मनाना चाहते हैं उसके बारे में सोचें। और ये उपाय आप संडे यानी कि रविवार से शुरू कर दीजिएगा। किसी भी समय मंत्र का जाप कर सकते हैं, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे रात हो, पूरा ध्यान लगा के ये उपाय करना है आपको। अब रही बात ग्रह नक्षत्र के अनुसार ये उपाय है, जी हाँ बिल्कुल, ग्रह नक्षत्र के अनुसार उपाय है। यदि आपके ग्रह नक्षत्र के अनुसार आप उपाय करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आप आइएगा। टेलीग्राम पर हमारा ग्रुप है जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। टेलीग्राम को डाउनलोड कर लें अगर डाउनलोड नहीं करा हुआ है, और फिर उस पर सर्च करें, या फिर इस वीडियो के नीचे लिंक है उस पर आइए, हमसे बात करिए, हम आपको आपके ग्रह नक्षत्र के अनुसार उपाय बताएंगे। यहाँ तक वीडियो देखा आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।